भी, क्योंकि प्लस ने आयशा को अपनी बेटी की तरह, हमने उसके लिए छोटा सा एक अरेंजमेंट भी किया है, जो चीजें हमें उनकी फैमिली ने कही कि हमें चाहिए हैं, हमने कोशिश की कि हम अरेंज करके आयशा के साथ भिजवा सकें। एक रस्म से हम सब फैमिलियर, अब थोड़ी सी रस्में हम करेंगे। अभी तक दुल्हा ने दुल्हन की और दुल्हन ने दुल्हा की शक्ल इस रूप में नहीं देखी। इस रूप वैसे तो शायद देखते थे वैसे। इसहाक भाई देखा हुआ आयशा को? देखा हुआ कितनी दफा? देखा हुआ, देख के तो पसंद किया था। कितनी कितनी दफा देखा हुआ है? और वहीं पे दिल दे दिया, वहीं पे मोहब्बत हो गई। वाह भाई, एक बारी से। अच्छा, लेकिन अब हम करेंगे ये कि आयशा का ये जो है निकाब हम ऊपर करेंगे जी, और इन दोनों की, आयशा की दोनों की गोद में रखेंगे हम शीशा। इसको क्या कहते हैं? आरसी मुसहफ। आरसी मुसहफ। और लड़की उस तरफ से आप पकड़ेंगी, इस तरफ से आप पकड़ेंगी, ताकि दूल्हा दुल्हन भी एक दूसरे को देख सके कि वो इस वक्त कैसे लग रहे। अब आप दोनों ने इस शीशे में एक दूसरे की शक्ल देखनी है। पास हो जाए, एडजस्ट करें अपने हाथ से, पास हो जाए शीशा, शीशे के अंदर, शीशे के अंदर हाथ से सेट करें शीशा, जहाँ पे आपको आयशा दिख रही है। और आयशा आपको, आपके दूल्हा दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? यारे लग रहे हैं। चलिए, आयशा कैसी लग रही है भाई? अच्छी है। नहीं, आज आज कैसे? नहीं नहीं नहीं, अच्छी नहीं, सिर्फ आयशा की तारीफ करनी है। बहुत अच्छी, खुल के तारीफ कर दे। खुल के, अलिफ से अच्छी, गाफ से गुड़िया। चाहिए वो लफ्ज चाहिए जो एक तारीफ सुनना चाहती है लड़की, वो बोले ना कि आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। आज बहुत अच्छी लग रही हो। हाय हाय यार, ये भी नहीं मानेगा। जरा सोच के बोलो खुद ही। अपने दिल, अपने दिल से निकालो, दिल निकलेगा। ऐसी बात जो सारी जिंदगी याद रखे। पिज्जा को जब तक चैन नहीं आना, जब तक आपने वो तीन मैजिकल वर्ड्स नहीं बोले। आई तीन जादू के लफ्ज। आई लव यू, क्या कितने बेटा नाम नहीं लिया? हाँ, लड़कियां गिनी। दोबारा बोलो, बोलो ने में देख के फिजा को गलत फहमी हो जाएगी जल्दी। दोबारा एक मिनट खामोशी। दोबारा अच्छा, आई लव यू। अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना थोड़ी, पीछे से पकड़ो के दुपट्टे को, इसको अभी क्यों छोड़ रहे हो? अच्छा अब हमने करना ये है, उधर से पकड़े जी, ऐसे उधर से छोड़े जरा आप, पिज्जा पकड़े जी, पल्लू छोड़ देंगे हम। अच्छा अच्छा, लगा दिया। अब शर्तें, अभी तक तो आपने देखी, पहली दफा देख लिया ना, अब कुछ शर्तें हैं। अब दूल्हा वाले फिजा आप, हाँ, और दुल्हन वाली नताशा आप जी, ठीक है? तो दुल्हन की शर्तें नताशा मिल जाएगी, दूल्हा की शर्तें फिजा मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि लेडीज फर्स्ट है तो नताशा पहले आप। तो ये लेडीज ही है, क्या मतलब यार, ये क्या बात है भाई? भाई ये दुल्हन की बात कर रहा हूँ भाई। काश आप आंखों के डॉक्टर होते तो फिलहाल टाइम पे रहते। अच्छा, मां के डॉक्टर के आंखों के डॉक्टर बन जाए। वो लेडीज है, ये गर्ल है, पत्ते आगा। अच्छा फिजा की बात करो, दुल्हन की, दुल्हन की बात कर रहा है, दुल्हन की बात। लेट्स, लड़कियों को चूंकि पहला हक देते हैं, तो हम आयशा को पहला हक देते हैं। लड़की वाले, लड़की वाले थे वो पहली शर्त। हाँ जी, क्या चाहती हो कि तुम्हें शादी के बाद सबसे पहले तुम्हारा मियाँ क्या दे? डोरेमोन की सीडी। जी इंटरप्ट नहीं करें यार, पता वो बोलने लगती है फिर आप लोग रुक गए। चूसनी। ताकि क्या चाहिए? क्या चाहती हो, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, बस ख्वाहिश आज बोल दो। नताशा वो शर्मा रही है, उसको नहीं समझ आ रही। एक सेकंड, वो बोलने लगी है, बोलने तो कॉन्फिडेंस आ गया, बोल देगी। बोल दो आयशा, बोलो बेटा क्या है? मरी ले जाए, कान में बोल दो, कान में बोल दो, कान में बोल। कहाँ जाना है? कैसे ये लड़की बोल दिया? बोलो, कान में बोलने लगी है। हाँ 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 हाँ, बताओ। यू कैन डू, यू कैन डू। अच्छा भाई, ये ख्वाहिश है उसकी, क्या वो कह रही है? मेरी तरफ से बोल दो आई लव यू। आखिर हमारे दूल्हा भाई भी अपने कानों से ये सुनना चाहते हैं। प्लीज अपने मुंह से। अब तो आप उनकी बीबी हो। दोबारा आई लव यू, आई लव यू। आयशा को भी नाम लेना, नाम लेना पड़ेगा, नाम लेके आई लव यू। चलो भाई, अब आपकी बात, लड़के वालों के एक ख्वाहिश आ गई, पूरी हो गई। इधर से तो आई लव यू हो गया। नहीं नहीं, अब शर्त शर्त रखनी तो हो गया। शर्त क्या है भाई? अच्छा भाई, हमारे लड़के को ये बता दे कि ये क्या खाना पका सकती है, इसके लिए सही वाला रोज सुबह शाम रात खाना पकाएगी।
बताओ भाई पकाएगी भाई। पकाएगी तो सही मगर हमारे दूल्हे को शक है, उसे लगता है कि नहीं आता पकाना। अच्छा पकाना तो हमें तो भाई जल्दी से बताओ क्या पका सकती हूँ। अच्छा सा पहले नाम बताओ क्या पका सकती बिरयानी पका सकती बिरयानी की रेसिपी दूल्हा पूछ रहा है, दूल्हा बिरयानी की रेसिपी अच्छा, पूछ रहा है। थोड़ा सा बता दो कि बिरयानी कैसे पकाई जाती है, बस थोड़ा सा बता दो। अरे बिरयानी छोड़ो अभी, अपनी अपनी शर्तें, प्याज मिर्चे मसाले सब। हाँ ठीक है बिल्कुल सही। अच्छा दूसरी शर्त क्या है नताशा? अच्छा दूसरी शर्त ये है जी हमारी कि ये ना हो कि शादी के बाद मोहब्बत में कमी आ जाए, तो हमारी दुल्हन को आपकी तरफ से पहले से ज्यादा मोहब्बत चाहिए। कोई लफ्ज बताओ ना उसके लिए, हर रोज दिन में एक दफा जरूर देखो आपने आई लव यू कहना है, काम पे जाने से पहले और काम से आने के बाद दो दफा ट्वाइस अ डे आपने आई लव यू कहना है। क्यों भाई फिजा ये हमारी ख्वाहिश है। अरे अगर काम में हम लोग के साथ नहीं हूं। हां हमारी ख्वाहिश है, पूछो ना दूल्हा से एक भाई दूल्हे की बता दें क्या ऐसा हो सकता है। माइक दीजिएगा। हाँ भाई अच्छी आदत होनी चाहिए। कैसे हमारी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं आप? कैसे हो जाएगा बोल के दिखाएं। सिर्फ दो दफा ही होगा? एक दफा एक दफा भाई ये तो अच्छा चलो अब तीसरी शर्त यहाँ पे हम रखते हैं। अच्छा आपने जो भी आप कमाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि ज्यादा, जो भी आप कमाएंगे उसमें घर के खर्चे के अलावा भी आपने आयशा को थोड़ा सा खुद से कुछ देना होगा। छोटी सी पॉकेट, छोटी सी पॉकेट, वो अपना कोई एक सूट ले सके, वो अपने लिए कोई एक लिपस्टिक ले सके, वो आपसे कहे। एक सेकंड ये हमारी बात की ख्वाहिश है, अभी उनकी बारी आ गई है ना। हाँ नहीं हमारी एक ख्वाहिश तो पूरी है, कोई ख्वाहिश नहीं पूरी होगी, आज बारात है। पॉकेट मनी देंगे आप हमारी दुल्हन को? देखो तो पसीने आ गए। जितनी जी भी बिल्कुल देंगे, अपनी तनख्वाह में से थोड़े से पैसे आपको देने हैं, जेब खर्ची, जेब ठीक है जी। नहीं पूरी बात बोलते, कितना देंगे? 500 हजार देंगे, 1500 देंगे। अब हमारी शर्त फरा एक चीज एड ऑन करना चाह रही थी कि उसे उसी तरह रिस्पेक्ट देगा जिस तरह अपने पेरेंट्स को और सिस्टर्स को देता है डिसीजन मेकिंग में ईच एंड एवरी स्टेप में लाइफ के। भाई अच्छा पढ़ा, क्योंकि मैं आशा का भाई हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई होने के नाते एक शर्त आशा की तरफ से वो ये होगी कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आशा पहले भट्टे पे काम कर रही थी, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आशा शादी के बाद दोबारा भट्टे पे जाए काम करें। क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं शादी के बाद काम ना करूँ और घर संभालू? हाँ आई थिंक वो हर लड़की की ख्वाहिश होगी कि वो अपने घर में जाए और घर के काम संभाले। ठीक है क्या चाहती हो मुझे सिर्फ ये बताओ कि शादी के बाद अपने मुंह से बताओ काम करना चाहती हो? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं क्या चाहती हो कि शादी के बाद क्या करो? घर के काम। और उधर वो जरा उनसे भी बनवा ले फिजा। नहीं एक शर्त हमारे दूल्हा की तरफ से, पहले ये बनवा ले ना उनसे कि काम आखिरी शर्त है, एक शर्त पेश कर रही हूँ वो ये कि आयशा भी कभी मुंह खुला के नहीं बैठेगी, नाराज नहीं होगी आपसे। नहीं हाँ आप बोल रहे हैं आयशा के पूछने में नहीं, आप बोले उसको कि तुमने मुझसे कभी नाराज नहीं होना शादी के बाद, कभी आए तो आगे सर बांध के बैठी हो। ठीक है ठीक है बोल दो, अगर हर हफ्ते एक बार आउटिंग कराओगे तो मुंह नहीं खुलेगा। आयशा कहो, आयशा कहो, आने फिर आने के लिए लेके जाया करोगे? आयशा कहो ना अपने मुंह से, बस कर दो भाग ना जाए, इतना प्रेशर भी ना डालो, कहो घुमाने फिराने लेके जाओगे? लेके जाओगे तो तैयार बैठे हैं, जो कुछ भी हम कह रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी वो कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं आप, ये नीचे करेंगे हमारी शर्तें जो है वो माशाल्लाह सारी पूरी हो गई दोनों तरफ से। लेकिन भाई क्रेडिट जो है आज सबसे ज्यादा फिजा को जाता है, बिकॉज फिजा ने इतने दिल से तैयार किया हमारी बहन को आज, बड़ा प्यारा तैयार किया, बहुत प्यारा तैयार किया 5 बजे से। अच्छा अब एक छोटी सी रस्म, आप दोनों ने अंगूठे लगाए हैं है ना, अपने अपने वो अंगूठे दिखाएंगे जो लगाए हैं, ये है ये वाला, और हाँ। आपने भी भाई अंगूठा लगाया ना, बाया, बाया। दिखाओ सामने सामने दोनों अंगूठे ये बन गया ये सीधे हाथ के अंगूठे, और हमारी दुआ है कि आपका ये जिंदगी का बंधन हमेशा जो है बंधा रहे, जैसे इस वक्त आपके अंगूठे हैं हाथ है, आपकी इसी तरह से सारी जिंदगी जो है वो खूबसूरत रहे, एक दूसरे के साथ साथ रहे। लेकिन जाते हुए खोल लेना ऐसे ही ना चले जाना, अब खुल नहीं। अच्छा ठीक है, और अपने ही पास रखना, अच्छा मैंने भी सलामी दे, आपके पैसे आपने
अच्छा ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को भी। ये अच्छा मुझे ये बता दो कि ये जो पैसे सलामी के मिले उनसे क्या करोगे आयशा? आयशा पूछो कोई प्लान है? किसी को नहीं देने पैसे, सास को भी नहीं देने, ससुर को भी नहीं देने, अपने हस्बैंड को भी नहीं देने, अपनी अम्मी को भी नहीं देने, अपनी अब्बू को भी नहीं देने। अब बताओ क्या करोगे? फिल्म देखने जंग लग जाएगा उन पैसों को, किसी को नहीं देने जाएंगे। घूमने जाऊंगी, घूमने जाऊंगी, गोलगप्पे खाएंगे। ये वाले भी छीन के अपने पास रखने, पकड़ो ये। हाँ ये भी तुम्हारे, छीन लो। अच्छा तो कहाँ घूमने जाओगी? बाहर। कौन सा वाला बाहर? कौन सा बाहर? कोई जगह बाहर की? हाँ। क्या है वो? जल्दी से मरी जाना है। इसहाक भाई को दे रहा जरा। इसहाक भाई आप लेके जाएंगे मरी? हाँ। हनीमून मनाने के लिए तो जाना है ना भाई? भाई लेकिन पैसे तो सारे सलामी के आए।